चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हैं, खासकर आप देख लीजिए एमयू एमबीए में जो पूछा गया है और सीमैट के क्वेश्चंस, वो लास्ट में मिलेंगे आपको। और सीयूटी में जो भी, चाहे वो आपका एमबीए हो, चाहे आपका फिर जो एग्री बिजनेस वाला हो या एलएलबी हो, सीयूटी एलएलबी, तो सारे सारे सीयूटी एलएलबी के जितने भी, चाहे एलएलबी हो गया, एमबीए हो गया और एग्री बिजनेस जो भी सारा है, वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एमयू के सारे हैं और सीमैट के भी हैं। तो टोटल हम लोग जो है, टोटल जो हम लोग आज करीब तकरीबन जान लो कि 25 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आप लोग देखिएगा, आप लोगों ने पहली क्लास बेसिक वाली 555 तक के क्वेश्चंस देखे हैं, सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज किए हैं, वही सारी चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है, कोई अलग चीज़ नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है, जिस तरह से SICI में आपने देखा था। तो आप लोग लगातार लास्ट तक क्लास को देखिए, समझिए और आज से इससे आपको मालूम चल जाएगा। देखिए तुरंत देखिए, एमयू के बाद जस्ट जो है हम लोग सीयूटी वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर क्या नाम है, यहाँ एमयू का एक क्वेश्चन है, बीच में फिर आपका एमयू का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद लास्ट में आपको सीमैट का मिलेगा। सीमैट में जो होता है क्या है कि टाइम ज़्यादा मिलता है, 3 घंटे का, उस हिसाब से उसका पेपर आता है। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी दिख सकते हैं, बट वो सीमैट के हिसाब से बहुत ईजी है। आपके एग्जाम थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि ज़्यादा टाइम टेकन हो रहा है, बट सीमैट के अगर एग्जाम को देखा जाए, उसको टारगेट, तो उस बेस पे तो बहुत ही ईजी है। उसके लिए जो क्वेश्चन का जो कह सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल है, वो उसके अकॉर्डिंग सही है। तो पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, देखिएगा आपसे कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4 to 24 cm². फिर होलो सिलेंडर समझते हैं जिसके अंदर बिल्कुल खोखला हो, है ना। सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है आप जानते हैं, जब किसी रेक्टेंगुलर शीट को आप फोल्ड कर देते हो तो आपका क्या मिल जाता है, सिलेंडर बन जाता है। तो मैंने कल बताया था ना आपको, ये जो है ना ये शीट, अब ये देखिए रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, ये क्या बन जाएगा, ये आपका देखिए होल है ना पूरा, ये आपका क्या बन जाता है, ये होलो सिलेंडर बन जाता है। कह रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब समझ रहे हैं, ये वाला बाहर वाला, ये दोनों छोड़ करके, ये सारा का सारा बाहर वाला, जिसे लेटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम भी क्या है, कर्व सरफेस एरिया, है ना, दोनों चीजें एक है। ये जो पूरा बाहर का है, ये दोनों पोर्शन को छोड़ करके, ये लेटरल सरफेस एरिया कह रहा 4 to 24 है। फिर आज से आपसे एमयू का क्वेश्चन 2022 का, एमयू वाला जो एग्जाम देने जाना, थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा इट इज कट अलोंग इट्स लेंथ हाइट, देखिए उसको क्या किया गया, हाइट के लॉन्ग कट कर दिया गया। जब आप हाइट के लॉन्ग देखिए, जब हाइट के लॉन्ग कट करेंगे आप, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक शीट बन जाएगी, है ना, ये बिल्कुल आप ये क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। ये बताइए इस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया आएगा, वही होलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है कि नहीं। अरे भाई पूरा एरिया यही था, जब आपने फोल्ड करके जिसको ओपन किया, यही वाला सरफेस तो आप बाहर दिख रहा था आपको पूरा पूरा, तो इसका जो एरिया होगा वही आपका जो हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, दोनों बातें एक ही। ये जो कह रहा है जब कट कर देंगे तो आपको रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी, दिख रहा है। कह रहा है इसकी विड्थ 33 cm है। ये बताइए जब ये फोल्ड था, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये सर्कमफ्रेंस, सर्कुलर है ना, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। और जैसे आप कट करेंगे, तो जरा बताइए आप जब रेक्टेंगुलर शीट में ये आपका जो है हो गया, तो बताइए अब ये क्या बन गया, वही सर्कमफ्रेंस अब क्या बन जाएगा, जब आप कट कर दोगे, मैसेज करो, ये इसकी क्या बन जाएगी, विड्थ बन जाएगी। देखो ये विड्थ बन गई कि नहीं, मोड़ोगे फोल्ड करोगे तो सर्कमफ्रेंस है, ऐसे आप कट कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ये इसकी विड्थ बन जाएगी और ये वाली इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ गया ना इसका फिगर, अगर पूरा फिगर समझ में आ गया है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, उसकी विड्थ बन जाएगी, बिल्कुल राइट। ये बताइए सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये बताएगा 2πr क्या होता है, सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो 2πr होता है। तो 2πr × h की वैल्यू दे रखी है 4 to 24। ये क्या है, जब आप उसको कट करोगे वो शीट बन जाएगी रेक्टेंगुलर, और ये जो 2πr ही बताया मैंने, जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या बन जा रहा था, विड्थ उसकी, यानी ये 2πr की वैल्यू है, ये क्या है, ये 33 है। तो 33 × h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 to 24। यहाँ से जरा बताइए h कितना हो जाएगा, 4 to 24/33 डिवाइड कर बताइए आंसर कितना आ रहा, डिवाइड करके बताइए, हाँ 2πr उसकी विड्थ हो जाएगी, डिवाइड करके बताइए, ये आ जाएगा कट करेंगे 1 और 2
128 आ रही क्या जरा बताइए मैसेज करके, तो 11 से कैंसिल कर लेकर सॉल्व करें, 128 आ जा रही शायद। अगर ये 128 आ जाएगी, देख लीजिए 128 आ रही है ना। अच्छा H की वैल्यू 128 क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर क्या होता है, H क्या है, H माने लेंथ, यही इसकी लेंथ भी हो जाएगी, तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होगा, 2L+D, यही तो पेरीमीटर होता है। तो बताइए क्या है, 2 लेंथ कितनी इसकी आ गई 128, और प्लस इसकी ब्रेथ क्या है, उसकी विड्थ कितनी है वो 33। तो वहाँ सॉल्व कर लीजिए, 128 प्लस 33 ऐड करेंगे कितना है 161, 161 इंटू 2 करेंगे कितना है 120, 12 वन है 200 कितना जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई करिए 203 कितना आ रहा आंसर, 322 कितना रहा है, 322 आ रहा है ना, देखिए ऐड कर लीजिएगा 161 इंटू 2 करेंगे तो 322 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट जरा बताइए, हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं था, थोड़ा सा देखने आप मैंने तो बहुत सारी चीज़ का समझाई भी थी कि रेक्टेंगुलर शीट को जब आप कट करते हो तो कैसे कैसे क्या बनता है। आसान क्वेश्चन था, लेंथ निकाल लिया, बस विड्थ आपको दे रखी थी, 2L+B लगाना था, आंसर आ जाता। तो एमयू वाले देख लें, 2022 का जो आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन था यही था। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप CUT के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसको अच्छे से देखिएगा। चलिए अब हम लोग CUT के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बताइए क्या बताइए, कह रहा है अ लार्ज फील्ड ऑफ 700 हेक्टेयर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। देखिए एक कोई आपके फील्ड है जिसका एरिया है 700 हेक्टेयर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू पार्ट इज वन फिफ्थ कह रहा ऑफ द एवरेज ऑफ द टू एरियाज, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट इन हेक्टेयर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा CUT का क्वेश्चन है ये, CUET का है, चाहे MBA होगा या तो LLB होगा, देख लीजिएगा। देखिए हम मान लेते हैं कि 700 आपका था टोटल एरिया, उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लेता हूँ ए और बी। कह रहा है कि डिफरेंस एरिया का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 1/5 इन दोनों पार्ट का एवरेज क्या आएगा, ए और बी का एवरेज क्या आएगा, A+B/2, यही तो आएगा एवरेज। तो यहाँ से जरा बताइए क्या जाए, 5 × 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ नीचे आएगा 10 का ए में करेंगे 10A - 10B इक्वल्स टू आ जाएगा A+B। यहाँ से जरा बताइए, ए को उधर लाइए और बी को उधर, क्या कितना आ जाएगा, देखिए 10A - 10B इक्वल्स टू आ जाएगा A+B, तो निकल जाएगा जरा बताइए, तो यहाँ से आ जाएगा 9A की वैल्यू आ जाएगी 11B, यानी अगर मैं AB का रेशियो निकालूंगा तो आ जाएगा क्या जरा बताइए, 11:9 आएगी नहीं। आपसे क्या पूछा है, वट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है ये एरिया का रेशियो है, AB मतलब क्या एरिया का रेशियो है, स्मॉलर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताइए, स्मॉलर जो आपका स्मॉलर पार्ट होगा वो 9 का मल्टीपल में आएगा, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है क्या, ये है और ये आपका नहीं है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 350 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, तो क्या जरा बताइए कोई टफ है, अगर आप सॉल्व करते तो कैसे करते, दोनों का सम कितना होता, 20 यूनिट, और 20 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 700, एक के निकल जाती ना जीरो यहाँ से कैंसिल होता, एक की 35, तो 9 की बताइए कितनी हो जाती, मल्टीप्लाई करते तो 315। तो ये काम करने से आप बच गए 9 का मल्टीपल से, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहिए, तो 9 के मल्टीपल से अगर आपको ये इतना काम नहीं, ये बताइए बड़े पार्ट का एरिया कितना होगा, बड़े पार्ट का एरिया कितना होगा, जल्दी बोलो, इलेवन का मल्टीपल कौन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन। तो इस तरह से सीखना, ये बताइए क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है, जो जैसा कहा था मैंने वैसे रख दिया, वहां से हमें एरिया में रिलेशन मिल गया रेशियो में कि इतना इतना हो रहा है, जैसे रेशियो मिला हमारा आधा काम खत्म, 9 का मल्टीपल देख के छोटा वाला एरिया, 11 का मल्टीपल देख के बड़ा वाला एरिया। आप बताइए कोई डाउट, फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि 700 हेक्टेयर का आपके पास टोटल है, उसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया ए और बी, एरिया मान लेते पहले वाला पार्ट का एरिया ए है, दूसरे वाला का बी है, हमने मान लिया पहले का ए है दूसरे का बी है, उसके बाद हमने क्या किया है इसके अंदर,
फिर हमने क्या पहले का मान लेते हैं, ये दूसरे का भी। कह रहा है कि उनका डिफरेंस जो है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया, डिफरेंस ऑफ द एरिया इक्वल्स टू है इज वन फिफ्थ, इस माने है वन फिफ्थ ऑफ द एवरेज ऑफ द टू एरियाज। ए और बी का एवरेज क्या है, प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, टेन आएगा। टेन का जब वहां मल्टीप्लाई करोगे, टेन का ए में करोगे टेन ए माइनस टेन बी, और इधर बच जाएगा ए प्लस बी। ए को इधर लाएंगे नाइन ए, बी उधर जाके ऐड हो जाएगा ग्यारह बी, इलेवन बी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए बी का रेशियो निकालूंगा तो इलेवन इज टू नाइन आएगा। जैसे मुझे एरिया का रेशियो निकल गया, मेरा काम ही खत्म हो गया। छोटे वाला जो एरिया होगा नाइन यूनिट, बड़ा वाला एरिया इलेवन यूनिट। यानी जो छोटा वाला एरिया होगा, स्मॉलर एरिया जो होगा पार्ट का एरिया, वो नाइन का मल्टीपल होगा, बड़े वाला जो होगा इलेवन का मल्टीपल होगा। काम ही खत्म। सॉल्व करके मैंने यहाँ भी दिखा दिया है। सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल से भी आंसर कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। मैसेज करिए, मैसेज करिए। कोई डाउट, आगे चला जाए, आगे चला जाए। इसको बताइए सभी लोग, इसको बताइए सभी लोग। क्या कह रहा है, कह रहा कि 50 मिन, ये बताइए नहाने माने जाते हैं कि नहीं आप लोग, नहाए हुआ है कि नहीं, कभी स्नान स्नान करने कुछ लोग जाते होंगे, जाते हैं ना। तो वो नदी वाला स्नान नहीं हो रहा है, मान ले कहीं किसी, अच्छा गांव वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह रहती है ना, रोज नहाते हैं। रोज कहाँ नहा, रोज तो नहाते हो, लेकिन ऐसे नहीं नहाते हो ना, टब में नहाते ना, टब मान लो, या कोई गांव में ट्यूबवेल चलता है उसमें बना रहता है ना, वो किस टाइप जो बना रहता है उसे क्या बोलते हो, जो जो बना रहता है जिसमें आप नहाते, पानी गिरता, पानी से निकलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, कौन बोलते हो उसको, तालाब हो गया इतना बड़ा, चलिए तालाब में थोड़ा सा लीजिए, हौज, वेरी गुड, पहले हौज बना रहता है। वो हौज का शेप क्या होता है, अभी बताएगा, वो हौज का शेप क्या है, जल्दी बोलो, वो क्या है हौज का शेप, कौन बताएगा, मैसेज करिए। कोई कह रहा है क्यूब है, क्या है उसे, वो टंकी है, वो क्या है, अरे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है वो, है ना, हेमिस्फीयर का, कौन सा हौज में नहाते हो, हेमिस्फीयर में नहाते हो आप, क्यूबॉइड है भाई, एल बी है ना, एल बी एच, क्या है उसके अंदर, एल बी एच तो ही है, क्यूबॉइड है। चलिए ठीक है, नीचे समझ में आ गई, वो हौज बना रहता है ना, रेक्टेंगुलर का बना, बीच में गहराई रहती है। अरे कहाँ देखे होगे, इस तरफ देखा होगा, मैं आप समझ, इसे ऐसे ही तो रहता है, ऐसे ही बना रहता है ना, ये क्या रहता है, इसमें गहराई रहती है, यही तो आपका हौज रहता है। चलिए ये आपसे कह रहा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 लोग, 50 लोग, बड़ा हौज है, 50 लोग गए नहाने। जब वो नहाने के लिए गए, जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है इतना, और कह रहा है कि एक आदमी जब डुबकी लगाएगा उसके अंदर, तो कह रहा कि 4 मीटर क्यूब का वाटर क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा। यानी जब आप जानते हो, जब कोई डूबता है तो पानी क्या होता है, ऊपर उठता है, उठता है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज आप डालोगे पानी बाहर जाएगा। तो एक आदमी जब डूबता है तो 4 मीटर क्यूब वाटर जो डिस्प्लेस होता है, अगर 50 मिनट एक साथ डुबकी लगाएंगे तो कितना वाटर डिस्प्ले हो जाएगा टोटल, बताइए वॉल्यूम कितना जाएगा, 200 मीटर क्यूब और वाटर डिस्प्लेस होगा, जाहिर सी बात है। जब वाटर डिस्प्लेस होगा तो पानी जो होगा वो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ ऊंचाई तक जाएगा, वही पूछा कितनी हाइट तक पानी रेस करेगा। बात समझ में आ गई, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो कितनी हाइट तक पानी रेस करेगा तो पूछा है। आप जान ले रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होगा उसका, पानी का पूरा, अगर मान ले हम बोल रहे कि एच हाइट तक वाटर जो है डूबने से 50 लोगों के एच हाइट तक पानी रेस कर रहा है, अगर पानी जो है आपका एच हाइट तक राइज कर रहा है, तो जरा बताइए क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, जाहिर सी बात है क्या बनता है, एल बी एच, मान उसके लेंथ दे रखी है 40, उसके ब्रेथ है 20, और उसकी हाइट कितनी मान लें हम एच, कितना पानी जो है राइज कर गया, उठ गया, ऊपर उठ गया, ये बताइए। और ये बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, अभी आपने बोला कि एक आदमी के डूबने से 4 मीटर क्यूब डिस्प्लेस होता है, तो अगर 50 मेन है तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर क्यूब। तो यहाँ जरा बताइए आंसर, एच की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बोलो, 0 0 गया, 2 upon 8 का मतलब 1/4 क्या मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें जानते हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस तरह से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में फिर से बताएं या फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, नो डाउट, तुषार पांडे। और कोई बताइए, रिपीट, देखिए रिपीट क्या करना है,
हमने कहा कि जो आपका हौज रहता है वो LBH यानी क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू B इंटू H होता है। आप 50 लोग गए एक साथ कूद गए उसके अंदर, पानी क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जब पानी ऊपर उठेगा कितने हाइट तक पानी का स्तर उठेगा, ऊंचा उठेगा, यही आपसे पूछा है। हमने मान लिया कि भाई जब एक लोग डूबता है तो 4 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करता है, तो आप जान लीजिए अगर 50 लोग उसमें अंदर डुबकी लगाएंगे तो 200 मीटर क्यूब का वाटर डिस्प्लेस करेगा वो लोग। और जब वाटर डिस्प्लेस करेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा ना, कितने हाइट तक आ गया, मान लेते हैं एच हाइट तक गया। अगर पानी एच हाइट तक गया है, क्यूबॉइड शेप का आपका हौज है, तो उस बताइए पूरा जितने दूर तक पानी गया है नीचे से लेकर के, उसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH वॉल्यूम है कितना टोटल, आप देख रहे हैं कि 200, LBH की वैल्यू 200 निकाल लीजिए आसानी से, तो 1/4 मीटर आएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। आगे चला जाए, मैसेज करिए, आगे चला जाए, बिल्कुल मैं ओपन करके समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगी कहां कहां से क्या हो रहा है, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, है ना। सारा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, बहुत चीजें आसान है। इसको बताइए, कह रहा कि 3 मेटेलिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, इनको मेल्ट कर दिया गया तो एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। क्या बनाया गया, बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, ठीक है। तो उस जो स्फीयर बनाया गया उसका डायमीटर पूछा है आपसे, आप हमको ये बताइए। मैंने कल बताया था जब किसी चीज को मेल्ट करके कुछ अलग चीज बनाई जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि उन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। क्या सेम होता है, उनका वॉल्यूम सेम होता है। ये जो तीन छोटे छोटे स्फेयर हैं, इन तीनों छोटे छोटे स्फेयर का जो वॉल्यूम का सम आएगा वो बड़ा सा, इन तीनों को गला करके जब एक बड़ा सा स्फेयर बनाएंगे उस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जरा बताइए इसका वॉल्यूम क्या हुआ, पहले वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या हुआ, 4/3, पाई तो रहेगा सम में, R1 क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 216। इसी तरीके देखिए, सब मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, 4/3 इसका क्यूब करूं 512 एंड 4/3 पाई इसका क्यूब करेंगे 1000। ये इक्वल होगा उस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के, मान लेते उसके रेडियस आपकी आर है। आप ये बताइए 4/3 पाई 4/3 पाई यहां से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये 216 512 और 1000 सबको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी ऐड करो, 12 5 17 28 कितना आ रहा है, 71728। ये आर की क्यूब की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए आर की जो वैल्यू होगी जताइए बिना ऑप्शन से, ये डायमीटर दे रखा है ना, क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, बताइए 1728 का जो है ये बताइए कि हाँ कितना आ जाएगा, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 12 आया, कितना आ जाएगा 12, जाहिर सी बात 12, क्योंकि देखिए 12 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट में क्या बनेगा, 8 मिल जाएगा ना, इसके मतलब 12 हो गया। आप देख लो 144 को 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 71728 आ जाएगा, ये रेडियस आई, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 24, कितना हो जाएगा 24, इसका दुगना होगा ना, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 20। तो यही छोटे, अच्छा ये बताइए जो हम लोग शीट में इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे कि नहीं, हमने बताया था ना मेल्ट वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की नहीं है, थोड़ा बहुत घुमाएगा तो आप कर ले जाएंगे, है ना। आगे चला जाए, सारे सीयूटी के क्वेश्चन हैं, इसको बताइए, इसको बताइए, एक वायर है इन द शेप ऑफ सर्कल, देखिएगा ये देखिए बहुत अच्छी चीज समझ गया, समझिएगा इस चीज को, चीज को कह रहा है एक वायर है इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये बताइए अगर कोई वायर है जो सर्कल के फॉर्म में है, मान लेते हैं ऐसे है, देखिएगा, तो ये मान लेते हैं, देखिए वायर है नहीं, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, ये देखिएगा, ये देखिए बन तो नहीं रहा है, यहाँ तो समझ जाइएगा, मान लेते हैं आपका वायर, मान लेते हैं कि आपका ये कोई सर्कुलर वायर है, ये बताइए अगर इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जरा बताइए क्या करेंगे, इसको कट करेंगे उसके बाद इसे फैला लेंगे पूरा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सर्कुलर वायर मान ले आपको दे दिया गया है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है,
इस पूरे वायर की लेंथ क्या होगी बताएगा, इस पूरे वायर की लेंथ क्या होगी, जो इसका क्या, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, जो भाई देखिए ऐसे मैं फोल्ड जब मैं इसे खींचूंगा ये तो पूरी लेंथ आएगी, और जब इसको मैं फोल्ड करके सर्कल बना दूंगा तो ये पूरा पूरा सर्कुलर पार्ट हो गया, और सर्कुलर पार्ट को ऊपर वाले को क्या पूरा बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, यही तो वायर है, ये जो रहेगा आपका ये पूरा यही तो सर्कमफ्रेंस होता है। अभी मैं यहां से कट करके तान दूं खींच करके इस तरह से ये हो जाएगा, ये पूरी पूरी जो लेंथ है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, ये चीज सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये बताइए वायर का जो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, कोई बताएगा, 2πRh, सॉरी क्या होता है, हाँ 2πR, क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2πR, तो 2π की वैल्यू 22/7, आर कितना आपका है 28, यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 822 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 मीटर, यानी इतना लेंथ का आपका वायर आया जिसकी लेंथ कितनी आ गई 176। अगर इसको आपको स्क्वायर बनाना है तो इस 176 मीटर वायर पे आपको चार टुकड़े करने पड़ेंगे और वो भी इक्वल इक्वल, तभी तो सबको जोड़ करके स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर कैसे बनेगा, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। इस 176 मीटर वायर के जब आप 4 पीस में कन्वर्ट करोगे तो एक पीस की लंबाई क्या होगी, 4 से डिवाइड कर लो कितनी आएगी 44। तो ये जो वायर यानी कि जो स्क्वायर बनाओगे उस स्क्वायर की जो साइड होगी कितनी होगी, 176/4 करें 44, अब 44 हो गई। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि सर्कल सर्कुलर वायर था पहले ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताएगा, पाई आर स्क्वायर समझ ना, 22/7 और आर स्क्वायर करेंगे तो यानी 28 × 28 माइनस स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, साइड का स्क्वायर 44 का स्क्वायर। अब बताइए कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे और कुछ लोग इसको डायर किससे लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पे, डीएस, अगर आप डीएस लग रहे हैं सबका अलग अलग आ रहा, देखिए सबका डीएस अलग अलग है, इसका मतलब अगर यहाँ पे डीएस लगा दिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। डी अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 4, सबसे पहले आप हमको बताइए इतने का डीएस कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 है, इसका डीएस 1 हो गया, इसका 4 हो गया, 4 × 4 करेंगे 16 का मतलब कितना जाएगा, देख लीजिए इसका तो एक ही हो जाएगा यानी 7, इसका डीएस 7 आएगा, इसका बताइए 4 × 4 = 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी डीएस कितना जाएगा 64 का 1, तो 7 में से 1 जाएगा 6, यानी जिसका डीएस 6 होगा वही मेरा आंसर होगा, जिसका डीएस 6 होगा, इसका डीएस 6 है क्या, नहीं है, इसका है, नहीं है, इसका है, नहीं है, आंसर हो गया। तो डीएस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है डीएस तो आप मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करके तब भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी करिए, तो डीएस अगर आपने पढ़ रखा है तो तुरंत आपका आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि सब नंबर का डीएस जो ऑप्शन दे रखा था सबका डीएस अलग अलग था। तो ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो बताइए, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई हो और सॉल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई दोनों बताइए। हाँ वो तो मैंने बताया कहाँ पे फेल होता है, लग जाएगा, आगे चला जाए, मैसेज करिए आगे चला जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए इसको बताइए। देखिए हम लोग शीट में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे ना, देखिए आगे एक नहीं एग्जाम में देखिए आपको मिल गया, रहेगा व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस देखिए 21% इंक्रीज कर रही है और उसकी हाइट 11% डिक्रीज कर रही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, उसी का यूज करके सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। आप ये भी देख रहे हैं कि आंसर बहुत दूर दूर है, 30 और 3 बहुत फर्क है, तो इसीलिए इसने देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो आप आसानी से इसको लगा भी सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लिखा है, एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं, तो आप वैल्यू भी इसी तरीके से ले लीजिए। सबसे पहले आप हमको ये बताइए अगर मैं 21 सेंटीमीटर को दो बार इंक्रीज करूं तो टोटल नेट कितना इंक्रीमेंट आएगा, 21 + 21 दिमाग में रखिए 42 प्लस 21 × 21/100 कितना जाएगा 441/100 करेंगे 4.41, तो इधर 42 आएगा, 42 में 4.41 करेंगे कितना आ जाएगा, पूरा ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आएगा 46.41 आएगा, तो हम मान लेते हैं 46 है, इतना इंक्रीज कर रहा है, 11 क्या करेगा डिक्रीज करेगा, 11 को मान लीजिए 10,
क्या जरूरत है 11 ले जाने, 10 ले लीजिए। तो 46 माइनस 10 करेंगे 36 माइनस 46 इंटू 10 बाई 100 करेंगे तो 4.6। तो ओवरऑल मेरा आंसर 30 के करीब में आएगा। और साथ ही साथ क्या आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज मैसेज करिए, क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद देखिए, एक्स प्लस वाई वाला हम लोग कितनी बार लगाए। तो हमारा देखिए वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, अप्रोक्स में था, मैंने 10 ले लिया, आसानी से कर लिया। आप कुछ लोगों को जो अप्रोक्स में से नहीं समझ में आ रहा तो 4.1 भी लेके चलेंगे और सब लेके चलेंगे, देर तक कैलकुलेशन करेंगे, फिर कहते हैं टाइम नहीं मिलता है। तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन बताइए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बताइए। आप पाई आर लीजिए, तो मैं बहुत कल समझाया था पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई कॉन्स्टेंट है, आर इंटू आर इंटू एच, तो आर दो बार इंक्रीज करेगा ना, रेडियस दो बार आ रही है ना, तो इसलिए दो बार इसको लिया गया, ठीक है। तो कई बार समझाए हम, चलिए आगे चला जाए, मैसेज करिए आगे चला जाए। इसको बताइए, इसको बताइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला, आप जानते हैं, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, जिसका बेस 1/7 टाइम्स है उसकी हाइट के, अगर मैं उसकी हाइट को एक्स मान लेता हूं तो बेस कितना होगा, अगर उसकी हाइट, हाँ बिल्कुल, अगर मैं उसका बताइए, अगर मैं उसका बेस क्या मान लेता हूँ, हाइट एक्स मान लेता हूँ, बेस क्या होगा, 1/7 टाइम्स, यानी एक्स बाई सेवन, तो एरिया क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाफ बेस, बेस क्या है एक्स बाई सेवन, हाइट क्या है एक्स, कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर बाई 14, कहाँ दिख रहा है। तो बहुत आसान भी दिख गया, क्या क्वेश्चन दिया जरा बताइए, यही सब पूछता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, आप खुद देखिए पेपर में क्या पूछता है, ये सारे क्वेश्चन 2022 2021 के हैं, बात समझ में आई। तो आप लोग जरूर देखिए, जो LLB वाले हैं, जो भी वाले, उनको जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी कि किस तरह से पूछा जा रहा है। कोई डाउट इसमें जरा बताइए, एनीवन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आप लोगों में से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आगे चला जाए, मैसेज करिए। इसको बताइए, कह रहा व्हाट इज द वेट ऑफ, देखिए व्हाट इज द वेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना और रेडियस दिस, द मटेरियल यूज फॉर कोन वेट इतना, ये जानते क्या है, ये बताइए क्या लाइन क्या है। उसने कहा है जब मान लेते हैं कि अगर कोई कोन है, कह रहा है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कोन का वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना मटेरियल यूज होगा जरा बताइए, 6 ग्राम। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम आपके पास कोन है तो उसका जो वेट होगा वो 6 ग्राम होगा। आप कब आपकी हाइट कोन की दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो सबसे पहले उस कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, जितना आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा टोटल वेट पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, पर यही तो दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है कोन का तो वेट 6 ग्राम है, तो आखिर कोन का वॉल्यूम है कितना ये निकाल लीजिए। ये बताइए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, फॉर्मूला बोलो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सबको पता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर यही होता है कि दूसरा कुछ होता है, फॉर्मूला वॉर्मूला याद है कि नहीं आप लोगों को, सारे लोग हैं भी यहाँ कि कहीं और हैं, 1/3 पाई, पाई वैल्यू बोलो, ये पाई आर स्क्वायर, आर बोलो रेडियस, स्क्वायर करेंगे 49, एच की वैल्यू कितनी है 14, है ना, कितना, और देखिए ये पूरा वॉल्यूम आया, अगर इसका वेट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है 6 ग्राम, आपका वॉल्यूम पूरा इतना है, इसका वेट कितना होगा, एक का पता है ना 6 ग्राम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, आंसर जो होता है वो पहली बात 11 का मल्टीपल होगा,
लेकिन यहाँ पे 11 का मल्टीपल दिख नहीं रहा, इसका मतलब आप इन्होंने आंसर जो सिर्फ दो डिजिट तक दिया है। अगर उन्होंने 3 डिजिट तक दिया होता तो 100% आंसर पहली बात एग्जैक्ट आता और 11 का मल्टीपल होता, मैं 11 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देता, क्योंकि देखिए 7 कैंसिल हो गया और देख रहे हैं 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में जो है 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। जल्दी बोलो भाई, 22 मिल रहा है यहाँ पे 196, देखिए 14 और इधर भी 14 और डिवाइड बाई 100, जल्दी बोलो क्या मिल रहा है, सभी लोग आंसर करिए, डिवाइड बाई 1000, जल्दी बताइए आंसर कितना हो, ग्राम में आएगा किलोग्राम मिलने के लिए 1000 डिवाइड करिए, सभी लोग बताइए आंसर कितना आ रहा है, आंसर बहुत करीब करीब, जल्दी बोलो। कितना आ रहा है, 4.31 किलोग्राम, एक्चुअल में आया होगा आपका 4.312 आया होगा ना, क्योंकि तभी देखिए 11 का मल्टीपल दिखेगा। इसने क्या किया कि 31 तक ही दिया, अगर यहाँ 2 यहाँ पे दिया होता ना तो मैं डायरेक्ट यहीं से आंसर कर देता, 11 का मल्टीपल देके टिक मार देता, मैं सॉल्व ही नहीं करता, मैं क्या करता सॉल्व ही नहीं करता, लेकिन इन्होंने क्या किया आंसर देख के पेपर ने अधूरा दे दिया। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था ये, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इसको आपको एक पूरा एक अच्छा आइडिया लग जाए कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आने वाला है ना। इसको बताइए, कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 mm, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जल्दी बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, देखिए एक स्क्वायर इस तरह से है, ये स्क्वायर, रुक जाइए, ये स्क्वायर आपका है, ठीक है, एक इंस्क्राइब्ड होता है, मान लेते हैं आपका स्क्वायर है, इसके चारों तरफ से क्या जा रहा है, एक सर्कल, इसको क्या हुआ चाहे बाहर की तरफ से क्या किया हुआ है, घेरे हुए है इसको, है ना, उस कंडीशन में आप जानते हैं कि इसका जो डायमीटर होता है सर्कल का वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल होता है। हम लोग कल क्वेश्चन किए थे, देखिए आपकी सीवीटी में आ गया, और मैं सीवीटी का क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, तो जो हम लोग कल कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे सर क्या है पेपर में ऐसा आता है, आप सीवीटी क्वेश्चन देखिए क्यों नहीं आता है, मिल गया आपको यही क्वेश्चन मिल गया, पिछला वाला देखिए आपका परसेंटेज चेंज वाला मिला, तो जो जो कराया जाता है उसमें से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला है। आप ये बताइए, अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो डायमीटर इसका 10 हो जाएगा, और 10 किसके इक्वल होगा, √2 के, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 होता है, तो यहां से अगर मैं ए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10/√2, 10/√2 का मतलब ऊपर √2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 बन जाएगा, यानी 5√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5√2, ये साइड हो गई, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर करेंगे, 5√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 × 2 = 50 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल जो LLB वाले हैं जो भी हैं ये सारे लोग टेंशन ना लें, है ना, आप लोग MBA वाले आपका लेवल देख लीजिए कितना कैसे आता, आपको सब मालूम चल गया होगा, है ना। CMAT का मत, CMAT का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, आप CMAT से अपना कंपैरिजन मत करिएगा, है ना, आप बस MU और CUET क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन तुरंत ऑप्शन से बताइए क्या होना चाहिए, और यह क्वेश्चन में मिलेगा टाइम आपको 5 सेकेंड, ऑप्शन से क्या जल्दी बताइए, ये तो 2 सेकंड बता दिए, वाह वेरी गुड। हाँ लैंग्वेज से घुमा रहा है बस, इसको देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहा है कि उसके लेंथ उसके ब्रेथ से 8 मीटर ज्यादा है, देखिए लेंथ ब्रेथ से 8 मीटर ज्यादा सही है, यहाँ भी देखिए यहाँ 8 ज्यादा है, यहाँ 8 नहीं ज्यादा, यहाँ 8 नहीं ज्यादा, अब 2 ऑप्शन बचा, कह रहा उनका एरिया कितना 240, तो 240 कहाँ पे मिलेगा, पहले वाले में, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है, तो 12 × 20 करेंगे 240 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 240 नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन चला गया, मेरा आंसर होगा। अब बताइए, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसमें 5 सेकंड से ज्यादा कोई लगेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो मिलेंगे इसमें जो कि बहुत ही आसान हो जाते हैं और आसानी से आपके लग जाते हैं, तो एरिया वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आपका लगे, जहां नहीं लगे उसको सॉल्व किया जाएगा। आगे चला जाए, है ना, इसको बताइए आप लोग, आंसर आया आप लोगों का, देखिएगा
क्या होता है, आप लोगों ने देखा जिनके पास खेत वगैरह होगा, फील्ड होता है ना, सब फार्मर वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं, चारों तरफ आप देखे होंगे क्या लगाते हैं, पिलर गाड़ गाड़ करके चारों तरफ से वायर से क्या कर देते हैं, उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है ना, उसको बाउंड्री कर दी जाती है वायर की, बात समझ में आएगी नहीं, तो उसमें खर्च आता है ना, वही आपको दे रखा, कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, कोई पार्क है जिस, कह रहा है जिसकी जो उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर मोर है इसकी ब्रेथ से, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ पार्क एट इतना, अगर जो वो बाड़ लगाने का जो खर्च आ रहा है 1 मीटर अगर आप वायर लगाएंगे तो 53 रुपीज आपको पड़ेगा, उस हिसाब से जो टोटल कॉस्ट पड़ा है आपका वो कितना पड़ा है, 21,200 रुपीज पड़ा है, कह रहा है वॉट इज द एरिया ऑफ पार्क, पार्क का एरिया कितना था ये आपसे पूछा है, सबसे पहले बताइए ये 53 पर मीटर का मतलब ये क्या है, ये पेरीमीटर है, 1 मीटर का खर्च कितना, तो आप पूरा जब पूरा रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ निकालेंगे तो पूरी लेंथ निकालने का मतलब क्या, उसका पेरीमीटर निकालना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है अगर उसकी ब्रेथ मैं मान लेता हूँ एक्स, मान लेता हूँ कुछ भी ले लीजिए, अगर एक्स ले लेते हैं आप बताए उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 ज्यादा है, एक्स प्लस 20 होगी, आप बताइए उसका पेरीमीटर कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 2l + b, एल आपका एक्स प्लस 20 है, उसमें एक्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x + 20, ये पेरीमीटर हुआ, ये टोटल पेरीमीटर हुआ, ये बताइए इसमें अगर मैं 53 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 मीटर एरिया का कॉस्ट कितना, ये टोटल निकल के लेंथ आई है, अगर मैं 53 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट आपका दे रखा 21,200, यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो जरा बताइए कितना हो जाएगा 400, 53 फोर का होता है, और ये 2 से कैंसिल होगा तो 200 है ना, और 2x + 20 वहां 20 माइनस करेगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 200 - 20 करेंगे 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 90, यानी अगर x 90 है तो आप जानते हैं कि उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 90 + 20 करेंगे 110, ये है 90, तो अगर इन दोनों एरिया पूछा है क्या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9900 आपका आंसर हो जाएगा, 90 × 210 करेंगे तो 9900 आपका आंसर हो जाएगा, आगे बात समझने की जरा बताइए सभी लोग, कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम आ गया ना, मैसेज करिए, आसान ही है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए 1 मीटर का कॉस्ट दे दिया हमने, टोटल लेंथ निकाल लिया यानी पेरीमीटर निकाल लिया, 53 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल कॉस्ट आ गया, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई आपका देखिए एक, अब ये पूरा मान ले आपकी स्क्वायर वाली फील्ड है, ये बताइए ये वाला यहाँ वायर लगाएंगे, यहाँ वायर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, सब लगाएंगे ना, ये टोटल जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा मतलब क्या निकालूंगा, उसका पेरीमीटर निकालूंगा ना, अब उस 1 मीटर का कॉस्ट 53 है तो टोटल मीटर जब लेंथ निकाल आई तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, 53 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल कॉस्ट, अब यहाँ से एक्स निकाल लीजिएगा, और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगा, रख करके तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, एरिया निकाल लिया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम आसान, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, इसमें कोई टफ नहीं है, अगर आपको टफ लगता फिर सीयूटी क्या देंगे आप लोग, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बताइए, चलिए आगे चलिए, या लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये वाला बताइए, हाँ बिल्कुल एमी में मेंसुरेशन क्वेश्चन अच्छा पूछता है ये, उसको बताइएगा, कह रहा देखिए फिर आगे बेंट वाला क्वेश्चन आ गया, वायर व्हेन बेंट इनटू द इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देखिए जब किसी वायर को कह रहा है वायर अगर कोई वायर अगर उसको स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया गया है तो कह रहा है उसका एरिया कितना है 484 है, ये बताइए स्क्वायर का एरिया होता कितना है, साइड का स्क्वायर, यानी अगर मैं उसका एक स्क्वायर की वैल्यू है 484, जरा बताइए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए कितना है 22, अब आपकी एक स्क्वायर की साइड पता चल गई, कह रहा व्हाट विल बी द इनक्लोज एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये बताइए अब इसी वायर को कह रहा है कि हम क्या किए, अभी स्क्वायर में था ना, अब इसको हमने क्या कर दिया सर्कल में कर दिया, तो जरा बताइए उसका एरिया क्या बनेगा, दिमाग लगाइए जरा, तो ये बताइए
जब स्क्वायर में वायर है और उसकी साइड 22 है, तो उस वायर की टोटल लेंथ कितनी है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर कितना है उसका, कितना है उसका? 88 है, सबको पता है भाई, जाहिर सी बात है। अगर 88 है, अच्छा जब 88 टोटल में लेंथ है उसकी, ये मान लो वायर है, ये इसकी पेरी, आपने कहा लेंथ कितनी है टोटल, 88 है। जब इसको आप बेंड कर दिए, किसमें बना दिए इसको, क्या इसको आपने बना दिया, क्या बना दिया आपने, एक क्या सर्कल, ये जो पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, वही उसकी लेंथ के बराबर। अभी मैं सीधा कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल राइट। सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो भी 88 है। जो सर्कल, ये ध्यान, रेडियस निकल नहीं जाएगी, रेडियस बताओ कितना आएगी, आर की वैल्यू बताइए, 88/2π, 2π का मतलब क्या, 44/7, यानी 7/44 उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगी, 14। सभी लोग बताइए, 14 आ जाएगी। जब स्क्वायर, जब सर्कल की साइड पता चल गई, उसका एरिया निकल नहीं जाएगा, सर्कल एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहली बात, 11 का मल्टीपल भी आएगा, है ना, सब 11 मल्टीपल 11 के सभी है, तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, यानी 14 × 14 कर दीजिए, कितना बना, जल्दी बताइए, सब आंसर बताइए। तो लास्ट में 6 आएगा ना, है ना, गलत हो रहा है क्या, कुछ देखिए तो गलत हो रहा है क्या, 3 होगा ला, थ्री कहां से होता है, 3 कहां से होगा, लास्ट में 6 दीदा, देखिए 28 हो जाएगा ना, 28 × 22 करिए, कितना आ रहा है, सही तो है, 616, लास्ट डिजिट 6 आएगी भाई, 3 कहां से आएगी, आगे समझ में, तो आसानी क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे लगता है कोई डाउट आप लोगों को सारी चीज समझ में आ रही है, बताइए, मैसेज करिए, जो क्वेश्चन पूछा है सीयूटी ने, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, हल्का से प्लीज कॉन्सेप्ट ही तो समझना है कि कैसे क्या क्या कर रहा है, कोई टफ तो है नहीं, कोई कैलकुलेशन भी टफ नहीं, सारी चीज आप पढ़े हो, वायर को बेंड करना, बंद करना, ये चीज तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ अभी तक, अभी नहीं आ रहा। प्रिया मिश्रा, क्या अभी नहीं आ रहा आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए, एक एक शेप में तो कन्वर्ट कर रहा है वो, बाकी कुछ थोड़ी कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ से लीजिए। अनम्यूट नहीं है क्या, ना अनम्यूट सबको कर दिए हैं, अभी पूछ लेना आप लास्ट में, आगे चला जाए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हम लोग के एमयू वाले, ये लगता है यार साहब सब हो गया, चलिए सीयूटी क्वेश्चन, एमयू वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ ठीक है, इधर बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद टू साइड्स इतना इतना और उनके बीच का एंगल। अगर आप मेरी ज्योमेट्री की क्लास देखे होंगे, मैंने उसमें एक फॉर्मूला लिखाया है, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया है। हमने कहा था ना कि अगर ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया क्या होता है, अभी बताएगा, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये एरिया होता है। तो लगा दीजिए, हाफ ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12 और साइन थीटा, थीटा डिग्री, साइन 30, साइन 30 वैल्यू पता है सबको, बताइए कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो आप निकाल लीजिए, 2 × 4, यहाँ से कैंसिल करिए, 3 × 10 से क्या आ जाएगा, 30। तो वन लाइनर क्वेश्चन पहला था आपका, कितना था इसका, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3 cm, 30 आ जाएगा, ठीक है, तो 30 cm² आपका एरिया हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। अगला बताया जाए, इसको बताइए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कोई छूटेगा तो पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तब भी आप लोग पूछ लीजिएगा, इसको बताइए, कह रहा था लीस्ट, ये तो एलसीएम क्वेश्चन आ गया, चलिए
ये लग जाएगा नहीं आप लोगों, एलसीएम एससीओ क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। ये बताइए घर और में टाइल्स वगैरह लगती होगी ना, आपके जो घर का फ्लोर का जो एरिया दे रखा है वो 68 × 51 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए अगर आप चाहते हैं कि कम से कम टाइल्स लगे तो आप जो है जाहिर देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उस टाइल्स का एरिया पहली बात क्या बड़ा से बड़ा होना चाहिए, यानी उसका एससीएफ। तो इसका एससीएफ कितना जाएगा 68 × 51 का 17, और चूंकि स्क्वायर टाइल्स है यानी सब 70-70 होना चाहिए। तो इसका बताइए एक टाइल्स का एरिया कितना आएगा, अगर टोटल एरिया आपका इतना बन रहा 68 × 51 और एक टाइल्स का एरिया कितना बनेगा 70 का स्क्वायर कर लीजिए 17 का, तो टोटल एरिया में से अगर एक टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के चले आएगा। आंसर कितना आ रहा है 4 × 3 × 4 × 3 = 12। आसान क्वेश्चन था ना ये, टोटल एरिया निकाल लीजिए, एक टाइल्स का एरिया निकल गया, टोटल एरिया में से एक टाइल्स के एरिया को जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल्स। बड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए था आपको तो उसकी ज्यादा बड़ा से बड़ी साइज निकालनी थी ना उसकी, तो 17 होगा। अगला बताइए, इसको बताइएगा एरिया लिस्ट होना चाहिए ना, साइज बड़ी होनी चाहिए थी ना उसकी। ये बोलो, ये देखिए 2 क्रॉस रोड, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम सब 10th वाले बुक में आपको मिलेगा। कह रहा 2 क्रॉस रोड, देखिए एमयू 2021 का है, 2 रोड है, देखिए कह रहा क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड समझते हैं आप इस तरीके से, मान लेते हैं आपके रेक्टेंगुलर फील्ड कोई है, देख लीजिए चलिए मान ऐसा ही है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलिए देखिएगा। अब इसमें 2 रास्ते बने हैं, रास्ता वास्ता देखेंगे नहीं आप, देखिए ये 2 रास्ते बने हुए, कह रहा बीचों बीच रास्ते जा रहे हैं, ऐसा रास्ता कहीं दिखाई दिया कि नहीं आप लोगों को बताइएगा, ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं कि नहीं, ये चौराहा देख लीजिएगा, ये है, कहाँ दिखाई दिया था, एकदम इस तरह दिखाई दिया था, ये बताइए, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ, देखिए सबके देखिए 5 5 दे रखा है, विड्थ इनकी 5 है दोनों रोड की, यानी ये वाली लेंथ जो ये जो विड्थ है ना रोड की ये 5 है, ये जो पूरी लेंथ है ना ये रेक्टेंगुलर फील्ड है कितनी है 80 है, ये वाली 60 है, जिससे पूछूंगा आंसर बताएगा। ये बताइए इस वाले रोड का एरिया बताइए, रेक्टेंगुलर शेप का है, सभी लोग बताइए इस वाले रोड का एरिया कितना होगा, जल्दी बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ वेरी गुड 300, कैसे ये 5 है और इसकी ये वाली क्या है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये 60 है ना, तो 5 × 60 करेंगे कितना आएगा 300। फर्स्ट रोड वाला मान लिया फर्स्ट रोड है आपका, ये सेकेंड है, समझा रहा हूँ डिटेल में, सेकेंड वाले रोड का एरिया बोलो इस वाले का कितना आएगा, ये भी देख लिया ये 5 है, अब की बार 80 है तो 5 × 80 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। लेकिन एक बात बताइए, ये जो बीच वाला है ना ये 2 बार काउंट हो गया, जब आप इसका निकाले तब भी ये बीच में आया होगा, जब आप इसका निकालें दूसरे वाले रोड का तब ये काउंट हो गया, तो एक बार इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये बताइए ये जो बीच वाला है कैसे किस शेप का है, स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर है 5 5 का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बीच वाले का जहां दोनों कट करेंगे 25, कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 300 जोड़ लेंगे 700 और उसमें से 25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 675, कितना जाएगा इतना एरिया पड़ जाएगा। और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना है 10, एरिया निकला है 675, तो 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे कॉस्ट निकल के आ जाएगा बी ऑप्शन। आप देखिए क्या पूछा ये, अब यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है अगर आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट थोड़ा से पता है, इस टाइप क्वेश्चन अगर लगाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको आना चाहिए। 9th का NCERT क्वेश्चन दे दिया इसने, तो इन्होंने देख रहा हूं मैं कि 9th जो 10th की बुक्स है ना उनके से वहां से क्वेश्चन ये लोग ज्यादा उठाए हैं, है ना,
कि 9-10 जो थोड़ा से क्वेश्चन आप लोगों को मेंसुरेशन का देख लीजिएगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ये वाला क्वेश्चन 9th या 10th के एनसीईआरटी का है, वहां से इन्होंने लिया है। हाँ लॉन्ग ऐसा देगा डर लग जाएगा, लेकिन डर नहीं लगना चाहिए। देखिए डर मैं खत्म करने आया हूं, तो डर आपको नहीं लगना चाहिए। तो देखिएगा आजकल लोग आ नहीं रहे, कहाँ चले गए सब। हाँ देख रहे हैं, कोई रहे तीन क्वेश्चन का, इसको बताइए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल दिस, ये कौन सा ट्रायंगल जल्दी बोलो, और 5 सेकंड टाइम मिलेगा, क्वेश्चन खत्म। हाँ ऐसे देखिए आंसर आ गया लोगों का, शादियां चल रही हैं। अच्छा अच्छा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 क्या है ये ट्रिपलेट है। इसका एरिया बोलो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। कितना आंसर आ जाएगा 30, कितना आ गया 30। ये भी एमयू 2021 का है। अगला बताइएगा, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए प्रीवियस ईयर इसीलिए कराया जाता है कि आपको एक आइडिया लग जाए, ये तक हो गया है ना, इसको बताइए जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन 5 सेकंड से अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी नहीं है, जल्दी बोलो आंसर। अल्टीमेट में तो आंसर है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को क्या कर दे रहा है, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दे रहा है। कितने का चेंज आएगा, नहीं कह रहा ना, नहीं नहीं कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज मेड इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड इंक्रीजिंग द ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। वही वाला क्वेश्चन है ना, डिक्रीज करेगा 1%, क्या करेगा डिक्रीज करेगा, व्हाट इज द चेंज परसेंटेज मेड इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड इंक्रीजिंग द ब्रेथ बाय। देखिए लेंथ को 5% डिक्रीज कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, लेंथ को 5% डिक्रीज कर रहा है और ब्रेथ को 5% इंक्रीज कर रहा है। कितने आर स्क्वायर बाई 100 भाई, 5 का स्क्वायर बाई 100 होगा, आर स्क्वायर बाई 100 भूल गए क्या, और साथ ही साथ डिक्रीज करेगा, कितना आंसर आएगा 0.25 डिक्रीज। कौन करे तो 1 आएगा। ये तो मैंने बहुत बार कराया है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिक्स पैटर्न है ये हर साल। देखिए एमयू वाले इसको कभी ना कभी हर साल दे रहे हैं, है ना, मैं कई बार देख चुका हूँ, उन्होंने इसको पूछते ही रहते हैं आर स्क्वायर बाई 100, चाहे प्रॉफिट लॉस में पूछेंगे चाहे इसमें पूछ लेंगे 0.25। इसको बताइए ये हो गया सीमेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए अब हम लोग का एमयू का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग सीमेंट के क्वेश्चन पे आ गए हैं। सीमेंट के कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन सीमेंट के हिसाब से लेवल उसका बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्योंकि सीमेंट में टाइम 3 घंटे का मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आप 5 मिनट भी लगा रहे हैं तब भी कम, तब भी जान लीजिए कोई मतलब, तब भी आपके पास जान लीजिए कोई टाइम का लॉस नहीं है, है ना। एमयू का एक बच गया है, कौन सा जरा बताइएगा, तो कह रहा कोई एमयू का एक बच गया है, ये सीमेंट का ये एमयू हो गया, कहाँ बच गया भाई, ये हो गया। जो क्वेश्चन लगाने लायक था मैंने बता दिया, इसको बताइएगा, इसको सीमेंट वाला क्वेश्चन देखिए। एक कॉपर वायर हैविंग लेंथ दिस एंड डायमीटर 4 मीटर का डायमीटर, ध्यान दीजिएगा, वॉज मेल्टेड इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो कह रहे हो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखिए वही वाला क्वेश्चन है कि एक वायर है, वायर किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसको किस में, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए एक बार, देखिए आप जानते हैं कि कॉपर वायर जो होता है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसको जब मेल्ट करके स्फीयर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो बताइए कॉपर वायर का वॉल्यूम क्या हो, जो सिलेंड्रिकल वायर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई, क्या होता है वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है, देखिए आर ध्यान दीजिएगा, आर आपका 4 mm, इसको आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये बताइए अगर इसका डायमीटर 4 mm है तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, 2 mm,
और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू बोलो 243 आपका मीटर है, जब इसको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। उसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा स्फीयर के वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमको उसका रेडियस नहीं पता है तो आर क्यूब लिख देंगे। अब यही क्वेश्चन सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के वही देता है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये 3 ऊपर जाएगा इंटू, और 243 क्या है, 3 की कितनी पावर है, ये 3 की 5 पावर है, और नीचे 1000 है, यहाँ पे आर क्यूब आएगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। ये देखिए 5 यहाँ, 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 6 का बताइए क्यूब रूट कितना होगा, 3 की पावर 6 नीचे ऊपर आ रहा है, बताइए उसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना लिखेंगे, सभी लोग मैसेज करिए, 3 की कितनी पावर। जी अब यही नहीं आ रहा है, हाँ 3 कितनी पावर 3 आएगा, क्योंकि 6 है ना, कितना देखिए, वाह वाह वा, कौन बोला है 3 की पावर 3, मैं जानता था गलत करोगे, मुझे पूरा बिलीव था कि गलत करने वाले हैं। हरिओम पड़ीदार, आप 3 की पावर 2 आएगा, 2-2 का पेयर बनेगा ना भाई, कहाँ से 3 की पावर 3, सभी लोग गलत कर देते हैं इसको, 3 की पावर 2 आएगा। और कौन देखिए 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे, 10 × 10 × 10 तीन पेयर बाहर आएगा, 10 आ जाएगा, 9/10 मतलब 0.9 रेडियस आएगी, 10 से मल्टीप्लाई क्या रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1.8 आ जाएगी रेडियस एमएम में आएगी। तो अगर मैं इसको बदलूंगा सेंटीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए सीमेंट ने क्या किया कि रेडियस को आपको पहले डायमीटर दिया तो उसको आपने रेडियस निकाला, उसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन उसने वही दिया था, आप क्यूब रूट निकाल करके रेडियस निकाले तो आपसे क्या पूछा, डायमीटर पूछा था, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रेडियस आ गया, वो एमएम में आया, तो एमएम में जब आया तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 सेंटीमीटर आएगा, अगर 1.8 mm में रहेगा ना, सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज है, यूनिट का कन्वर्जन है, क्यूब रूट निकालने का तरीका है, कैसे कैसे निकल रहा है, ये अब कोई 243 नहीं जान रहा कि 3 की कितनी पावर होती है, अब क्यूब रूट निकालने नहीं जानेगा, तब ये जब नहीं आएगा तो इसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितनी आसान है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो हम चलते हैं सीमेंट के दूसरे क्वेश्चन पे। ये बताइए, कह रहे हैं कई बिल्डिंग है जिसमें बिल्डिंग है उसमें 30 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और सबकी रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, सबकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ध्यान देखिए, यूनिट बहुत ध्यान दिया करें। देखिए यहाँ पे मीटर दे दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया, ये लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, है ना। फिर कहता है कि फाइंड आउट दो उसका कॉस्ट निकालना, अगर उसको आप पेंट कर रहे हो तो उसका कॉस्ट निकालना है। कह रहा है कि पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पिलर्स, कितने पिलर्स हैं उनके हाफ पिलर्स को ही आपको पेंट करना है, और उसका पेंट कहाँ करेंगे, चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया जो बाहर है उसी को पेंट करेंगे, अंदर कहाँ से पेंट कर पाएंगे, क्या रेट ऑफ पेंट दे रखा है 10, जरा बताइए कि कुल कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पे बात आ रही है कर्व सरफेस एरिया की, बात आ रही है हाफ पिलर की। तो ये बताइए अगर 30 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं तो उसका हाफ कितना पिलर हो जाएगा, 15 पिलर्स, है ना। दूसरी बात ये बताइए एक पिलर का वॉल्यूम कितना, एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कोई बोले पिलर कैसा आपका है, आपका जो पिलर्स हैं वो कैसे हैं, वो सिलेंड्रिकल पिलर्स है ना, तो अगर सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh, 2πrh, तो 2π की वैल्यू बोलो, ये आर की बोलो, रेडियस कितनी है 2πr, रेडियस देखिए 35 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा वो बताएगा, 0.35 मीटर हो जाएगा ना, 2πr, एच की वैल्यू बोलो 5 मीटर। ये टोटल 15 पिलर का टोटल कर सरफेस एरिया आ गया, टोटल कर सरफेस एरिया, और 1 मीटर का मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10, और टोटल आपका एरिया बन रहा है इतना, इसका कॉस्ट क्या होगा, 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कॉस्ट निकला। आंसर बताइए सभी लोग कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, डीएस नहीं लग पाया क्योंकि 6165 आ गया, जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है। मैसेज करके बताइए जल्दी से,
75 सा है ना, ये आ जाएगा ना। देखिए 10 से यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए, सभी लोग बताइए कितना आ गया है। ए ऑप्शन वेरी गुड, कितना आ गया है 1650। अब आपकी कैलकुलेशन मैंने रखते कि आप कितने तेजी से करते। तो ये सारे चीज देखिए आसान होता है अगर आप थोड़ा बहुत देखिए। अब यही सब पूछता है तो आप देख रहे हैं जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कहते क्या वॉल्यूम निकाल करके फिर उसका कॉस्ट दे रहा है, उसके बाद उतने से मल्टीप्लाई करवा रहा है आपसे कि कॉस्ट कितना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपने देखा चाहे वो एमयू का हो और कहीं भी हो, तो ये सारी चीज तो ये पूरा एक बार प्रीवियस ईयर एक बार फिर से देखिएगा और उसके बाद जो जो पढ़े हैं उसको कनेक्ट करिए क्या क्या ये पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। उसके बाद जो पहले बैच पहले जो क्लासेस उसको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन देखिएगा। बेसिक क्वेश्चन से सारा इसी चीज से रिलेटेड है, कोई बाहर की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का मामला यहाँ पे चल रहा है। आप बताइए कोई नई चीज नहीं है, सारी वही चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रहा है उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है ना। आई होप सबको क्लियर होगा। इसको बताइए थ्री देखिए, फिर देखिए यही क्वेश्चन एमयू में पूछा था। देखिए यहाँ पे सीमेंट 2019 में पूछा है, तो एमयू वाले कभी कभी क्या करते हैं कि सीमेंट के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या देखा है, थ्री सॉलिड क्यूब इनका एरिया देखिए, वॉल्यूम कह रहा है का थ्री सॉलिड क्यूब साइड देखिए इसकी इतनी इसकी इतनी इसकी इतनी है, इसको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया, तो क्या जरा बताइए कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बताइए इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 आएगा। इसका वॉल्यूम बोलो 6 का क्यूब करो 216। इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 512 है ना। ये बराबर एक बड़ा सा क्यूब बना दिया मिल करके, मान लेते हैं उसकी साइड है तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक क्यूब सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है 529 की वैल्यू एक क्यूब। एक की वैल्यू बताइए, आप किसी को यही नहीं पता कि 9 का क्यूब होता है ना। ए की वैल्यू 9 आ गई, जब साइड पता चल गई तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² तो 6 × a² 9 का मल्टीपल पहली बात आंसर होगा और आंसर आ जाएगा 486। कितना आ जाएगा 486। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मेल्ट वाले बहुत पूछ रहा है, उसको आप लोग जरूर देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि किसी में कोई डाउट तो पूछ ले, किसी कोई डाउट है मैसेज करिए। बताइएगा आप लोग ये देखिए ये थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन देखे दिया, ये सीमेंट के हिसाब से थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन है लेकिन तो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आप ही लोग बताएंगे बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग जो मैंने पढ़ाया विदित जी, आप जो कौन बोल रही हैं, आप जो मैंने आपको बताया है ना पहली वाली जो हम लोग क्लासेस हैं पहली वाली, वो जो क्लास ये क्लास उसमें तो क्वेश्चन आसान है, उसको LLB वाले उसको लगा लीजिएगा जो पहली वाली क्लास है, और CUT क्वेश्चन लगा लीजिएगा बस। आप उसके बाद आप CMAT के मत लगाइएगा, MU के मत लगाइएगा, लेकिन जो मेरी पहली क्लास है जिसमें एक एक लैंग्वेज क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, और जो CUT के क्वेश्चन इसमें से दे रखे हैं उसको देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा, बस उतना ही पढ़ना है आपके लिए। बस एक लाइनर वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको LLB में देखने को नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको MBA में देखने को मिल सकता है। इसको देखिएगा, ये बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी कहते हो टाइम खत्म होने वाला। देखिएगा कह रहा है कॉस्ट कितना दे रखा, देखिए 2 कह रहा है आपके स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल है देखिए, एक स्क्वायर होल ये है, एक थोड़ा सा बड़ा है, अलग अलग है। आप लोगों के घर में हॉल होता है ना छोटा बड़ा, इसी तरीके से देखिए कह रहा है कि इसका कॉस्ट इतना पड़ रहा है पेंट कराने का। इसको देखिए मान लेते हैं कि 6000 रुपीज पड़ता है पेंट कराने के लिए, और इसका पड़ता है 61000, इसका 6000, इसका 6100। कह रहा है कि 4 वॉल हैं, स्पेसिफिकली पेंट द 4 वॉल्स ऑफ, देखिए वॉल को पेंट कराने का एरिया इतना है, बात समझ में आएगी नहीं। कह रहा है देखिए दोनों जो हाइट दोनों की कह रहा है कि सेम है, हाइट दोनों की क्या है, ये वाली जो है हाइट है वो सेम है, बल्ट अलग रहा है लेकिन हाइट उसकी सेम है। और लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द वन हॉल कह रहा है कि एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द अदर बाय 1 मीटर, यानी पहले वाले की हॉल की जो लेंथ है दूसरे वाले से 1 मीटर ज्यादा है। और कॉस्ट जो पड़ रहा है पेंटिंग का, एक स्क्वायर मीटर का 5 रुपये पड़ रहा है। आप लोग ये बताइए कि पहले वाले हॉल का एरिया कितना होगा, दूसरे वाले हॉल का एरिया कितना होगा, अगर 1 मीटर का कॉस्ट इतना है और टोटल कॉस्ट इतना पड़ा है पहले वाले में और इतने वाले दूसरे वाले में, इतने वाले में
तो पहले वाले हॉल का एरिया क्या होगा, दूसरे वाले हॉल का एरिया क्या होगा, मतलब वॉल का एरिया, हॉल के वॉल का एरिया कितना होगा, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा। बहुत ही आसान, डिवाइड कर दीजिए आप, बिल्कुल राइट, इसका आ जाएगा 1200, इसका कितना आ जाएगा 1200 और 50 और कितना आ जाएगा 1220, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन दोनों के एरिया में डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ये बताइए वॉल का एरिया क्या होता है, रूम के वॉल का एरिया क्या होता है, 2h, याद है ना, 2h l प्लस बी, LHLH होता है, 2LH प्लस 2BH होता है, 2H कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी होता है, ये तो दे रखा है। आप जानते हैं कि किसी अगर हॉल का हॉल का वॉल का एरिया निकालेंगे तो 2H L प्लस बी होता है। अगर मैं पहले हॉल की बात करूंगा तो मैं मान, इनकी लेंथ और ब्रेथ देखिए सेम ही होगी पहले वाले की, मैं मान लेता हूँ कि L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू L1 है पहले वाले की, और दूसरे वाले की मैं मान लेता हूँ उनकी लेंथ और ब्रेथ को मैं मान लेता हूँ कि L2 के इक्वल है। जरा बताइए यहाँ पे कितना एरिया बनेगा वॉल का, 2H L और B आपस में मिलकर L1 करेंगे तो L1 प्लस L1 करेंगे तो 2L1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4L1H आएगा। इसी तरीके से दूसरे वाला जो हॉल होगा उसका भी एरिया कितना बनेगा, चारों वॉल का एरिया क्या बनेगा, वहां पर L2 मान लिया था, L2 प्लस L2 2L2 हो जाएगा, और फिर 2H से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4HL2 आ जाएगा। तो इनका एरिया ये बना, इनका एरिया ये बना, एरिया का डिफरेंस ही, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 4L1H में से जब 4HL2 माइनस करेंगे तो देख रहे हैं 4H कॉमन होगा, L2 माइनस L1 आएगा जो कि 1 दे रखा है। ये देखिए ये वैल्यू दे रखी है 1, ये हो गई 4H, ये हो गई 20, H की वैल्यू आ गई 5। तो छोटे ये सीमेंट के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन बहुत कम समय सीमेंट में, इसमें 10 मिनट भी आप देते ना तब भी ज़्यादा कम नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं था, तब भी हम लोग का एक से डेढ़ मिनट लग गया। और ये चीज़ देखिए 4L1H, ये सब सारी चीज़ें वॉल का एरिया अगर आपको समझ में आना चाहिए तो वहाँ से रिलेट करके इसको सॉल्व किए। आगे चला जाए, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसको बताइए कह रहा था लेंथ ऑफ द, क्या देखिए ये दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ हाइट सबको दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम पूछ सकता है लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो। देखिए सीमेंट में हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कह रहा सबको 100% बढ़ा दिया गया। 100% बढ़ा देने का मतलब क्या, दो गुना कर दिया गया, तो एक के बजाय किसकी कितने हो जाएगी, जिसकी लेंथ हो जाएगी 2, इसके दो के बजाय कितनी हो गई, मतलब बताइए दो के बजाय 4 हो जाएगी, एक तीन के बजाय 6 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एल बी एच निकालूँ एरिया कितना बन रहा है 6, यहाँ मैं एरिया निकालूँ कितना बन जाएगा 48। ये बताइए 6 से एरिया 48 हो गया, कितना गुना हो गया 8 टाइम्स, तो कितना बढ़ गया 7 टाइम्स। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। आगे समझ में नहीं, ये पूछा था ना कि देन व्हाट वुड बी द इंक्रीज द वॉल्यूम, देखिए एरिया नहीं वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम 6 था, बाद में वॉल्यूम 48 हो गया, कितना गुना हो गया 8 टाइम्स हो गया, कितना इंक्रीज कर गया। याद करिए हम लोग परसेंटेज में जब हम लोग एरिया वाला CSI पढ़ रहे थे, जितना गुना होता था इंक्रीज उससे कम होता था ना, 3 टाइम्स का मतलब 2 गुना बढ़ गया है ना, तो 8 टाइम्स एरिया हो क्यूब वॉल्यूम हो गया, कितना बढ़ गया 7 टाइम्स। तो ये सब क्वेश्चन देखिए आसान होते हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ही ले। अभी 3 क्वेश्चन इसको बताइएगा, तो ये हो गया ना, इसको बताइए लेंथ कह रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसको मैं बड़े वाले मेथड से नहीं लगाऊंगा, छोटे वाले मेथड से लगा दे रहा हूँ ऑप्शन से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसको देखिएगा कह रहा है लेंथ, लेंथ ऑफ द रूम कह रहा है कि ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है, इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 4 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय, देखिए हमको ना लेंथ पता है ना हमको ब्रेथ पता है। ये बताइए अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बताइए कोई हमको क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया निकालूंगा हॉल का, अगर मान लो कोई रूम है तो क्या लिखोगे उसका, 2HL प्लस बी, क्या लिखूंगा, वॉल है ना, वॉल का सरफेस एरिया क्या होता है 2 हाइट L प्लस बी। ये देखिए सरफेस एरिया जो होगा ये आपको निकालना है, ना तो L पता है ना तो B पता है, H की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 मीटर, इसका मतलब ये डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूँ 2×3 L प्लस B, इसका मतलब ये हुआ जो भी सरफेस एरिया होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, कोई ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, 84 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सॉल्व वाला सोल्यूशन देखना चाहते हैं
तो सी एम आर की क्लास यूट्यूब पर 2018 वाली पड़ी है, वहां जाके देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पर बस इतना है कि थ्री के मल्टीपल को देख करके आंसर कर देंगे, क्योंकि वॉल का जो सरफेस एरिया होता है 2HL+B होता है, H चूंकि 3 है, L+B कुछ भी आए उसमें जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 का मल्टीपल जरूर आएगा, तो 84 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, डिटेल सॉल्यूशन वहां पे देखिएगा, इसको बताइए, ये तो लग जाएगा, ये देखिए आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें हाइट को देखिए, सर्कुलर कोन की हाइट को देखिए इतना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और देखिए 50 इतना है, तो निकाल ले जाएंगे 50-50 दो बार इन क्या कम करना है, फिर 200 बढ़ा देना है, देखिए आंसर कितना आ रहा है, निकाल लीजिएगा इसको, ये अगर आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, जरा बताइए। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लेते हैं एरिया, मान लेते हैं 100 है, 200% जब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब 300 में से जब 50% माइनस करेंगे, इसका हाफ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 में से जब 50% फिर रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 75, 100 था 75 हो गया, रिड्यूस होकर कितना रिड्यूस हो गया, 25% डिक्रीज कर गया। तो आप ऐसे भी लगा दीजिएगा,